Hello students, welcome to Success Point Educare. Today we are going to learn class 10th Max 1 chapter 2 quadratic equation. Friends, quadratic equation ka part 1 means iska practice 2.5 ka part 1 hum logon ne us solve kar chuke hain. Jo question number 1 to 4 tha. Abhi hum log question number ja rahe hain karne 5th and onwards. तो हम लोग करते हैं 5th, 6th, 7th इसमें है, हम उसको एक एक करके देखते हैं. अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो भी देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है. नाउ स्टार्ट्स फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5th. 4 तक हो गया था, वन सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, पार्ट 1 ऑलरेडी सोल्व है. यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड के इफ इक्वेशन इज के x square माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल 0. यहाँ पे कंडीशन कुछ दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम मींस क्या बोला गया है, सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, सम मींस ऐड किया जाता है. ओके, इतना को हम लोग देखते हैं, ऐड करते हैं. इज मींस इक्वल, मैंने 1.5 में बताया था आपको ए वर्ड प्रॉब्लम, आप ध्यान से देखिए. डबल देयर प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट के डबल मींस ट्वाइस होना चाहिए. ओके, प्रोडक्ट के डबल मींस ट्वाइस होगा. अभी देखिए वहां पे क्या करेंगे आगे में हमारा, तो उसको हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने के इक्वेशन लिख दिया, जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन हो गया. कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन इसको कंपेयर करेंगे विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन वी गेट, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, ए की वैल्यू हमारा 1 आ रहा है. बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4k है एंड सी की वैल्यू k प्लस 3 है, नॉट ओनली 3, k प्लस 3 इज अ कॉन्स्टेंट. सो वी कैन राइट k इज k प्लस 3. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स दिया है, एक को हम लोगों ने अल्फा अजम कर लिया और दूसरे को हम लोगों ने बीटा अजम कर लिया. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हो गया यहाँ पे, फिर क्या दिया है, लेट अभी यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सम मीन्स हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को मालूम है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा हम लोगों का मालूम है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए. ओके, इसका मैं एक प्रूफ का वीडियो भी बनाने वाला हूँ, मैं हिंट भी दिया था कैसे करते हैं, तो आप कर सकते हो. अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन को हम लोग एक एक करके समझ के लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन था, इसको देखते हैं. सम ऑफ द रूट्स, सम जो है मतलब अल्फा प्लस बीटा इज मतलब इक्वल टू टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट. टू देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ लास्ट में, देखिए सम ऑफ द रूट्स, स्टार्टिंग में देखिए सम ऑफ द रूट्स इक्वल, इक्वल क्या इज है तो यहाँ पे इक्वल करना, हेल्पिंग का जो भी है वहाँ पे इज करना. ओके, टू, टू मीन्स डबल देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मीन अल्फा देयर प्रोडक्ट लिखे. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम हो गया और टू इंटू अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इस तरह से हमारा क्या होगा आंसर इजी वे में आ जाएगा. अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू इंटू अल्फा प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, टू इंटू सी प्लस ए इक्वल के दोनों तरफ में ए और ए है, तो उस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं. या कट करने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस ए को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ए उस तरह से भी कट जाता है. तो माइनस बी इक्वल टू टू सी, ओके, माइनस बी, बी की वैल्यू हमारा क्या है, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था तो माइनस फोर के था, माइनस फोर के रखा, सी की वैल्यू के प्लस 3 है, तो यहाँ पे माइनस फोर के और के प्लस 3 यहाँ पे रखा, माइनस माइनस प्लस 4k और दिस वन इज 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6, 2 3 जा 6. अभी ये प्लस 2k है, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, एंड 6 एज इट इज वहीं पर रहेगा, 4k माइनस 2k यानी 2k इक्वल 6, सो k इक्वल 6 अपॉन 3 यानी k की वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ गया हमारा, k की वैल्यू हमारा 3 आ गया. इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम लोग कर सकते हैं. ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको यहाँ पे यह समझ में आना चाहिए, सम ऑफ द रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ट्वाइस, टू टाइम्स ऑफ डेल प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. और यहाँ से हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन देख के बिल्कुल नहीं डरना है, यहाँ से सिंपल हम लोगों ने ए की वैल्यू 1 रखा, बी की वैल्यू माइनस 4k एंड सी की वैल्यू के प्लस 3. वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ मैं, के की वैल्यू 3 मत लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, कंडीशन मैंने यहाँ पे देख दिया, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया हूँ. यहाँ पे कंडीशन दिया था सम ऑफ जी रूट्स जो है इज इक्वल टू डबल उसके किसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा ही 2 टाइम्स. इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर सकते हैं, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके.
यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, हेंस के की वैल्यू हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारा उसी तरह से दिया है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस सेवन इक्वल जीरो। ओके, इस तरह से हमारा दो वैल्यू दिया है जिसमें अल्फा और बीटा का रूट्स बोला गया है कि अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, रूट्स है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस सेवन इक्वल जीरो फाइंड करने के लिए बोला गया है हमारा। फर्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर वे में दिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दूसरा जो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इस करना है। ओके, अब ये बहुत सिंपल है दोस्त, आपको ये फॉर्मूला आता है, क्या बोला मैं आपको आता है, आपको ऐसा लग रहा नहीं आता, मैं बताता हूँ फिर आप बोलोगे अरे ये तो बहुत सिंपल है मुझे आता था पहले से। हाँ हाँ आता है आपको, देखिए कैसे, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी लिखा था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सिंपल वे में लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल माइनस सेवन इक्वल जीरो, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेरिएबल्स वाई था तो यहाँ पे हम लोगों ने वाई लिखा, अगर वही वेरिएबल क्या होता एक्स होता तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स लिखता, एम होता तो एम लिखता, जो भी रहेगा उस तरह से हम लोग वेरिएबल लेंगे। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है, सी की वैल्यू माइनस सेवन है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड तो माइनस एज इट इज रहेगा, टू किधर से आया यहाँ से आया माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा टू आ गया। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारा टू आ गया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा हम लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मीन्स सी कितना हमारा माइनस सेवन अपॉन वन हो गया हमारा सी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा हमारा टू हो गया एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस सेवन हो गया। अभी वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वी डोंट नो फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो हम पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, आपको उस ए फॉर्मूला आता है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ए प्लस बी आप रखकर बहुत पहले से आप इसको सॉल्व करते हैं, सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना फ्रेंड्स। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ए अल्फा अल्फा एंड दिस वन बीटा, इसको मैं यहीं पे रहने दिया। ओके, अल्फा और बीटा को यहीं पे रहने दिया, और ये टू अल्फा बीटा अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस होगा। ओके, तो वही मैंने कर दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ए टू ए बी प्लस में है ना, ये टू ए बी प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो टू ए बी वो माइनस में हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, बोलो बट डायरेक्ट मत लिखना क्योंकि रटना क्यों है भाई, आप ये फॉर्मूला आपको सिंपल वाला याद है इसको लिखो और वहाँ से निकालो, क्यों रटोगे, कहीं माइनस के पे प्लस कर दिया तो आप भूल जाओगे, इसलिए फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा को ही रखने दो और इसको इधर ला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा टू आया था एंड टू इंटू अल्फा माइनस बीटा हमारा सेवन, अल्फा इंटू बीटा सेवन आया था तो माइनस माइनस प्लस सेवन टू जो फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू एटीन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारा सेवन आ गया। सेम उसके बाद में हमारा दूसरा क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू फाइंड करना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का क्यू का फॉर्मूला आपको आता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब आपको आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको इसे और इसको इसे मल्टीप्लाई भी करके लिखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में दिया रहता है बट ऐसा क्यों करना। चलिए अभी अल्फा प्लस बीटा के आपकी वैल्यू फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा को आप यहीं पर रहने दो, ए वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म जो है इसको आप उस तरफ कर दो तो उधर जो करोगे तो क्या होगा माइनस में होगा, तो थ्री अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इस तरफ आ गया तो ए माइनस में नहीं होगा, इधर आएगा तो माइनस ए प्लस वाला माइनस नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। चलिए तो अभी यहाँ पे सेम उसी तरह से फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था टू आया था, टू क्यू माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा माइनस सेवन अल्फा प्लस बीटा टू, टू के क्यूब कितना होता है टू इंटू टू इंटू टू एट हो गया और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और टू जा फोर्टी टू, फोर्टी टू और एट फिफ्टी आंसर आ गया। अब देखिए इस तरह से आपका है फिफ्टी आंसर हो गया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू विच फिफ्टी। देखो कितना सिंपल है ना, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, देखो कैसे आपको मालूम चल गया और लर्न भी हो गया। यहाँ पे देखिए जो भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यहाँ पे भी उसी तरह अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है तो अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस थ्री अल्फा बीटा एंड इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इट्स सो सिंपल, एग्जाम में आता ही है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। फ्रेंड्स आप पार्ट वन देख लो अगर भूल गए हो तो, अगर याद है तो अच्छी बात है। रियल एंड इक्वल कब होता था,
जब रूट्स डेल्टा की वैल्यू जीरो होता था, डेल्टा की वैल्यू जीरो होता था तो रियल एन इक्वल होता था। ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन दिया है कि इसका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दब उसके बाद हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए एक एक करके मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहला दिया है 3y² + ky + 12 = 0 एंड kx (x-2) + 6। देखो ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और लगभग लगभग ये ऑल इंडिया के ऑल बोर्ड में लगभग लगभग ये क्वेश्चन है और सबके लिए इंपॉर्टेंट से माना जाता है। ओके, तो आप करके लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है, इसका चांसेस तो रहता ही आना। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने पहले इक्वेशन को लिख दिया 3y² + ky + 12 = 0, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन ay² b, चलिए a की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखा, b की वैल्यू k, y के साथ k है ना k, एंड c की वैल्यू हमारा 12 हो गया। अभी देखिए हमें क्या करना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल के लिए क्या करना पड़ता है, b² - 4ac निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, b² - 4ac निकालेंगे तो हमें डेल्टा की, डेल्टा वही होता है ना, चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके। b² - 4ac मैंने निकाला यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या है, k² - 4 (a 3a)(c 12a) यहाँ से। चलिए k² रहेगा, 4 3 = 12, 12 = 144 होता। अब देखो एक a² - b² के फॉर्म में नजर आ रहा था, a² - b² के फॉर्म में आ रहा था क्योंकि 12 का स्क्वायर कर दिया, तो हम लोग जानते हैं a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, तो वही मैंने लिख दिया, 12 is a and k is 1 and 12 is b, सो इस तरह से हम लोगों ने a + b and a - b करके इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब देखो कंडीशन पे आते हैं हम लोग, कंडीशन दिया है the roots of each of the following quadratic equation are real and equal दिया, then find the value of k। तो देखो real and equal कब होता है, जब डेल्टा हम लोग को निकाला और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, since the roots are real and equal, real and equal है means del की वैल्यू जीरो होगा, डेल्टा की वैल्यू जीरो होगा, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो मीन डेल्टा यहाँ पे हमारा क्या आया है, k + 12 and k - 12 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा k + 0 and k + 12 and k - 12 = 0। ये जीरो क्यों लिखा, वन सेकंड मैं रिपीट करता हूँ, ये जीरो इसलिए लिखा, क्वेश्चन का डिमांड था कि उसका रूट्स जो दिया गया है रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल की वैल्यू जीरो होता है। चलिए तो जीरो हो गया, तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर ऑलरेडी हो गया, तो k + 12 = 0 and k - 12 = 0, ए प्लस में इधर गया तो माइनस में आ गया और ए प्लस में, ए माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, द वैल्यू ऑफ के आर क्या हो गया, -12 और 12, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन का उसका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, वी कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आगे हम इस का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है क्या फ्रेंड, नहीं, क्योंकि वो स्टैंड अप फॉर्म में हमें करना पड़ता है, स्टैंड अप फॉर्म में करना पड़ता है, तो स्टैंड अप क्या होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए फर्स्ट को kx से मल्टीप्लाई किया, तो kx² - kx को 2 से किया, 2kx + 6 = 0, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी गेट, चलिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है, -2k है एंड c की वैल्यू 6 है। अभी देखिए b² - 4ac निकालेंगे हम लोग डेल्टा की वैल्यू, ये कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए इसका वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो अभी हम लोग करेंगे आगे। ये b² - 4ac का b की वैल्यू कितना है, -2k² (4 × a) कितना है k एंड c की वैल्यू 6 है। देखिए इवन नंबर है तो 2 × 4 माइनस प्लस हो जाता है, k² - 4 × 6 = 24 एंड k उसी तरह रहेगा। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होने लायक दिख रहा है क्या, इसमें से मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से, k 4 के टेबल में 26 आता है एंड k भी है, तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k बचेगा, -6 हो जाएगा। अभी देखिए इतना ही रहने देते हैं, और हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे दिया है कि सिंस रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए डेल इक्वल जीरो होता है, लास्ट न्यूमेरिकल में बोला था, यानी ये जो डेल की वैल्यू है 4k (k - 6) की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमें बोला गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो यहाँ पे 4k
माइनस के माइनस सिक्स इक्वल जीरो लिखा, यानी ये फोर के के टर्म्स क्या होगा, जीरो एंड के माइनस सिक्स इज जीरो। वन टाइम हम लोग इसको करेंगे जीरो, देखो ना फोर के इक्वल क्या होता है, जीरो अपॉन के माइनस सिक्स, एक्चुअली ऐसा होता है, और के माइनस सिक्स इक्वल जीरो अपॉन फोर के, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं के की वैल्यू क्या हो गया, जीरो अपॉन फोर, यानी के की वैल्यू जीरो आ गया, यहाँ पे के की वैल्यू सिक्स आया इस तरह से। बट यहाँ पे क्या आया हमारा, के की वैल्यू दो आ गया, इस तरह से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमारा कंडीशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्टैंड अप फॉर्म जो हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर था, बट ए कैन नॉट बी जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए की वैल्यू अगर जीरो हुआ तो स्टैंड अप फॉर्म नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसीलिए। बट इफ के इज जीरो देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम जीरो, वो हमारा एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट जो है वो स्टार्टिंग का, यहाँ पे देखो ना दिस वन, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा क्या, नहीं, इसीलिए के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। देन के की वैल्यू जो एक आया, के इक्वल सिक्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज सिक्स। वी कैन टेक स्क्रीन शॉट, अब मैं दो पार्ट में कर देता हूँ स्क्रीन शॉट। यहाँ पे आपका ए खत्म होता है, उसके बाद इसके बेस पे ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबके सब आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटरमाइंड, ओके वेट, मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करो, जो भी डाउट्स हैं कमेंट करो, मैं इसका सबका सॉल्यूशन दूंगा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो। ओके, आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जो उसका पार्ट जो है वो आगे का रहेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम का भी मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, आप उस तरह से इसको देखना, वो वीडियो भी। स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपके फोटो में अपना साइड कर दिया, अभी आप स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लो असाइनमेंट का, नहीं तो असाइनमेंट ही अच्छे से नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो।